हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आई एम अंशुमन आर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी सीसेट प्रैक्टिस सीरीज फॉर योर अटैम्प्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 23 एंड 24 तो अगर आप सिविल सर्विसेज़ एग्जाम को अटैम्प्ट करने वाले हैं 23 या 24 में तो आपको पता है फर्स्ट एज कंप्राइजेज ऑफ प्रिलिम्स जिसको प्रिलिमिन्ररी एग्जाम बोलते हैं इसमें दो पेपर होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन में आपसे जी से ए आते हैं और टोटल जो मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स होता है सेम पेपर टू जो होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो 80 क्वेश्चंस होते हैं और ये किस चीज़ पर होता है सी सैट इसको बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें जो है बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड चेक किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग के एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है और इंग्लिश का कॉम्पिटेंसी या कॉम्प्रीहशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश को भी टेस्ट किया जाता है अब इसमें आपको ये क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है तो आपको सिर्फ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट मार्क्स चाहिए जो कि करीबन सिक्सटी सेवन नंबर होता है सिक्सटी सेवन का स्कोर चाहिए आउट ऑफ टू हंड्रेड आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और इसका नंबर जो है वो आपके फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम के बारे में जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे या फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको जो है इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए अब इस सी सैट प्रैक्टिस सीरीज में ऑलरेडी हमने 11 लेक्चर्स कवर किया है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है जैसे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता था लेकिन आप अगर उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद क्योंकि वो काफ़ी सीक्वेंस में है तो वंस आपका जो है कंसेप्ट बिल्ड होगा फिर जो है उसमें क्वेश्चन भी हमने करा है तो एक तरह से आपका बहुत जैसे जैसे जो ट्रिकी टॉपिक्स होता है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस या नंबर सिस्टम इस तरह की चीज़ों को जो है हमारे सीरीज में कवर किया गया है इससे पहले हमारा एक सी सैट का सीरीज है वो भी काफी ज्यादा जो है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, जिसको आप देख सकते हैं ठीक है सारे जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे अब आज के लेक्चर में लेक्चर ट्वेल्व में हम लोग देखेंगे रिसेंटली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है और उसमें भी कुछ टेन क्वेश्चन टेन ऑर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं तो अभी जैसे हमने रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी जो सी सैट का पेपर था तो उसके भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किया सेम वैसे ही स्टेट पी सी एस जो अभी होता है उसके क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो सी सैट में भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यू पी एस सी भी हो सकता है कभी आपको स्टेट पी सी एस का क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पूछ ले और अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो वो आपका एक तरह से प्रैक्टिस हो रहा है तो ओवरऑल आपका सी सैट ही होगा ठीक है अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप डेफिनेटली किसी भी स्टेट पीसीएस का स्टेट उसका सी सैट का अगर पेपर अगर आपको मिले तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करें अगर आपके पास फ्री टाइम रहता है तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस सेशन में क्या है इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप जो है जब आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे क्वेश्चंस आपके पास आएगा आप उसको अटेम्प्ट करेंगे ठीक है और फिर जो है आप उसका आंसर मैच करिए और उसका सोल्यूशन देखिए ठीक है तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एन एनी ऑफ योर प्रेशर्स टाइम फर्स्ट है आपका अ क्लॉक इज सेट राइट एट सिक्स ए एम इट गेन्स टेन मिनट्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स वॉट विल बी द राइट टाइम वेन द क्लॉक इंडिकेट्स इलेवन ए एम ऑन दी नेक्स्ट डे ठीक है यहां पर ये क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्लॉक जो है वो सिक्स एम तक जो है वो सही चल रहा था सिक्स एम तक जो है उसको मतलब उस टा उसमें टाइम फिक्स किया गया था सिक्स एम और फिर जो है वो क्या कर रहा है कि वो अगले चौबीस घंटे में दस मिनट वो गेन कर लेता है नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल क्लॉक होता है तो वो ट्वेंटी फोर आवर्स में सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी फोर आवर्स ही कवर करता है लेकिन ये फॉल्टी क्लॉक है तो ये क्या कर रहा है कि ये ट्वेंटी आवर्स तो कवर कर रहा है साथ में दस मिनट और आगे बढ़ जा रहा है ठीक है तो अब बोल रहा है वॉट विल बी द राइट टाइम वेन द क्लॉक इंडिकेट्स इलेवन ए एम ऑन दी नेक्स्ट डे मतलब उस जो फॉल्टी क्लॉक है उस पर अगर ग्यारह बज रहे हैं सुबह मतलब आप बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ के इलेवन ए एम हो रहा है उस क्लॉक में टाइम तो ओरिजिनली टाइम क्या हो रहा है उस समय आपको ओरिजिनल टाइम बताना है तो क्या करते हैं हम लोग देखिए कि आपका जो है दिस इज योर फॉल्टी क्लॉक ये मान लेते हैं दिस जिसमें प्रॉब्लम आ गया है कि दस मिनट ज़्यादा चल जाता है और दिस इज योर नॉर्मल क्लॉक ठीक है अब फॉल्टी दोनों चलिए मान के चलिए सिक्स ए एम से स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम मेजर करना तो फॉल्टी क्लॉक क्या होता है कि ट्वेंटी फोर जैसे जब नॉर्मल क्लॉक जब आपका ट्वेंटी फोर आवर्स कवर करता है तो उस केस में फॉल्टी क्लॉक कितना कर लेता है ट्वेंटी फोर आवर्स प्लस टेन मिनट्स ये जो है जितने देर में हमारा नॉर्मल क्लॉक 24 घंटा कवर करता है ये क्या कर लेता है 24 घंटा 10 मिनट अब देखिए यहां पर सब घंटे में तो हम लोग 10 मिनट को भी घंटे में चेंज कर लेते हैं तो 24 प्लस अगर मिनट्स को आज में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक घंटे में जो है वो सिक्सटी मिनट होता है तो अगर आप टेन डिवाइड बाई सिक्सटी करेंगे तो बेसिकली वन बाई सिक्स हो गया तो हम लोग डायरेक्टली ले देते हैं वन बाई सिक्स इसको अगर हम लोग करते हैं सिक्स फोर जेड ये वन फोर्टी फोर हो गया वन फोर्टी फोर प्लस वन दैट इज़ वन फोर्टी फाइव बाई सिक्स और ये हो गया 24 आवर्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब नॉर्मल क्लॉक 24 फोर आवर्स कवर करता है उस समय फॉल्टी क्लॉक जो है वो वन फोर्टी फाइव बाई है अब इसको हमने क्यों निकाला देखिए यहां पर क्या है वॉट विल बी द राइट टाइम वन क्लॉक इंडिकेट्स इलेवन ए एम ऑन दी नेक्स्ट डे अब फॉल्टी क्लॉक पे जो है वो ग्यारह बज रहे हैं तो फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से उसने कितना घंटा कवर कर लिया है छह बजे स्टार्ट हुआ है छे से छह कितना हुआ चौबीस और अगर आप और जोड़ ले उसमें कितना ग्यारह बज रहा है ना तो पांच घंटा और जोड़ लीजिए तो कितना होता है आपका ट्वेंटी नाइन आवर्स यानी फॉल्टी क्लॉक ने 29 आवर्स कवर कर लिया है बस हमें यह बताना है कि अगर फॉल्टी क्लॉक ने 29 आवर्स कवर कर लिया है तो नॉर्मल क्लॉक ने कितना किया हुआ यही आप इससे आपको आंसर मिल जाएगा अब देखिए यहां पर से कैसे निकलेगा ये तो ये देखिए जितना देर में फॉल्टी क्लॉक इतना मतलब इतना आवर्स कवर करता है उतने में नॉर्मल क्लॉक ट्वेंटी फोर आवर्स करता है तो एक घंटे में कितना करेगा एक घंटे में अगर एक घंटे में फॉल्टी क्लॉक जितना कवर करता है तो नॉर्मल क्लॉक कितना करेगा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई वन फोटी फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई वन फोर्टी फाइव यानी एक घंटा जब फॉल्टी जब एक घंटे में फॉल्टी क्लॉक जितना कवर करता है तो नॉर्मल क्लॉक इतना कवर करता है अब बोल रहा है कि ये ट्वेंटी नाइन आवर्स कवर किया है तो हम लोग सिंपली इंप्रूव ट्वेंटी नाइन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल क्लॉक जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा तो अब इसको करते हैं ट्वेंटी नाइन से मल्टीप्लाई करते ट्वेंटी नाइन फाइव और ये हो गया आपका 144 फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई फाइव इसको करते हैं तो हम लोग कितना होगा 5 फाइव टू जन एंड फाइव एट फोर्टी ट्वेंटी एट प्लस फोर बाई फाइव इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वेंटी एट प्लस फोर बाई फाराइव आर्स अब देखिए अट्ठाईस घंटा तो मान तो के चलिए नॉर्मल क्लॉक में अट्ठाईस घंटा अगर आप जुड़ तो कितना हो गया 6 से 6 चौबीस प्लस चार घंटा करिए यानी दस टेन एम तक तो हम लोग पहुंच गए अब हम लोग को मिनट निकालना है फोर बाई फाइव आज मतलब कितना हुआ अगर फोर बाई फाइव आज करते हैं तो फोर बाई फाइव इंटू सिक्सटी कर देंगे तो हमें मिनट पता चल जाएगा फाइव ट्वेल्व यानी हो गया आपका फोर्टी एट मिनट यानी नॉर्मल क्लॉक में उस समय जो है वो कितना बज रहा होगा टेन ए एम फोर्टी एट मिनट्स ठीक है तो अब आपको यहां पे पता चल गया कि ये जो है क्लॉक क्या चल रहा है मतलब इसमें टाइम क्या हो रहा है टेन यानी उसका जो है टाइम एक्चुअल टाइम कितना हुआ दस बज के अड़तालीस मिनट तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें क्लॉक गेन कर ले रहा है या लूज कर रहा है तो आप इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 फोर लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड ट्वेंटी सिक्स लाइक टू प्ले बैडमिंटन ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स ओके हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अब ये सेट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं आपको पता है वेन डायग्राम अब वेन डायग्राम क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं फिर जो है जब हम लोग सेट सेट थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग अच्छे से इसको बनाना सीखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है दो सेट्स है आपके पास एक तो जो एक जो लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और जो सिर्फ क्रिकेट नहीं क्रिकेट खेलते हैं और ट्वेंटी सिक्स जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं और आपके पास ओवरऑल जो है वो 55 स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर क्या है जैसे अगर हम लोग जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उनको इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं उसको इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इसको क्रिकेट लिख देते हैं इसको बैडमिंटन ठीक है तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बी से तो आपको बेसिकली क्या निकालना है सी यूनियन बी ठीक है आपको सी यूनियन बी दिया हुआ है दैट इज 55 स्टूडेंट्स आपको निकालना है सी इंटरसेक्शन बी हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको वैसे एंडिटीज सेट के जो कि दोनों सेट में प्रेजेंट हो मतलब वैसे पर्सन या वैसे स्टूडेंट जो कि क्रिकेट भी खेलता हो और बैडमिंटन भी खेलता हो तो वो कौन सा रीजन हो गया वो ये वाला रीजन हो गया आप देख रहे हैं जहां पर ओवरलैप हो रहा है दोनों में ये वाला रीजन आपको निकालना है अब ये जो सर्कल है पूरा ये क्या है जितने लोग भी क्रिकेट खेलते हैं और ये सर्कल जो है जितने लोग भी बैडमिंटन खेलते हैं अब ये जो इंटरसेक्शन वाले लोग हैं तो यूनियन सी यूनियन बी का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस बी माइनस सी इंटरसेक्शन बी ठीक है मतलब सी वाले को पूरा जोड़ लीजिए बी वाले को पूरा जोड़ दीजिए और उसमें एक बार जो दोनों में आते हैं उसको माइनस कर दीजिए क्योंकि आपने उसको डबल काउंट कर लिया सी में भी काउंट कर लिया और बी में भी काउंट कर लिया अब देखिए सी यूनियन भी आपको दिया हुआ है फिफ्टी बस पुट करिए यहां पर फिफ्टी सी का कितना है थर्टी बैडमिंटन का कितना है ट्वेंटी सिक्स माइनस सी इंटरसेक्शन बी तो सी इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा अगर आप करते हैं तो फिफ्टी सॉरी सिक्सटी माइनस फिफ्टी फाइव हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका फाइव यानी जो लोग जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट और बैडमिंटन वो कितने लोग हैं वो है पाँच लोग यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आपको थोड़ा सा भी आता है मैथ सेट थ्योरी आपको पता है कि कैसे यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली बना सकते थे अब है दूसरा क्वेश्चन वॉट आर टू नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ट्वेंटी एंड सम ऑफ हु स्क्वायर इज फिफ्टी एंड सम ऑफ हु स्क्वायर इज फिफ्टी तो यहां पर क्या आपको जो है दो नेचुरल नंबर को कंसिडर करना है जिसका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है और आपको उसके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चन को चलिए हम लोग मान लेते हैं नेचुरल नंबर एक्स और वाई अब पहले तो ये बता दीजिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो नेचुरल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको बेसिक काउंटिंग नंबर होता है वन टू थ्री अप टू इंफिनिटी ठीक है अगर इसमें जीरो जोड़ देंगे तो ये सेट किसका बन जाता है होल नंबर का लेकिन आपसे क्या बोल रहे हैं ओनली नेचुरल नंबर मतलब एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है ठीक है अब चलिए यहां पर बात हो रही है एक्स तो हम लोग मान लेते हैं दो नेचुरल नंबर एक्स और वाई तो इनका प्रोडक्ट कितना है एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड आपको यह दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है सम ऑफ हु स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपको दे दिया गया है फिफ्टी टू हंड्रेड तो अब आपको कैसे निकालना है आपको एक्स और वाई निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे बस कुछ नहीं है थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है और रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको कुछ बेसिक एल्जेब्रा का फॉर्मूला या फिर आपको एक्सप्रेशन आने चाहिए जैसे आपने पढ़ा है बचपन में भी पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है यही होता है तो हम लोग ए स्क्वायर देखिए अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी ये लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आपको यही निकालना है तो अगर आप जो है आपको क्या करना है आपको अगर यहां से a प्लस बी हमें पता चल जाता है तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा फिर हम लोग एक बार a माइनस बी निकाल लेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा दो वेरिएबल है सॉल्व कर लेंगे चलिए a प्लस बी है तो ये तो फॉर्मूला हो गया अब हम लोग यहां पर एक्स और वाई माने तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ये कितने के बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अब आपको जो है x प्लस वाई स्क्वायर आपको x प्लस वाई चाहिए तो कैसे करते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर टू एक्स वाई टू माइनस टू एक्स वाई की जगह आप क्या पुट कर देंगे 2400 तो यहां कर दिए 2400 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कितना है 5200 तो कितना आ जाता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस फोर्टी एट हो गया फिफ्टी ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर विल बी आपका टेन थाउजेंड ठीक है टेन थाउजेंड हो गया यानी x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपका हंड्रेड तो x प्लस वाई हमें पता चल गया कि वो है हंड्रेड सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है तो हमें बस अगर यहां से लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी बस आप इसको यहाँ पे पुट करिए तो यहाँ पर क्या हो गया ए माइनस यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स वाई यानी हम लोग डायरेक्टली फोर्टी एट हंड्रेड लिख देते हैं ये हो गया आपका फोर्टी एट हंड्रेड और ये किसके बराबर हो गया आपका ये हो गया सॉरी प्लस टू ए हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ए ए इससे बाहर निकल के आएगा माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो गया प्लस एंड दिस इज इक्वल टू फिफ्टी टू हंड्रेड तो यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू फोर हंड्रेड और एक्स माइनस वाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा दो सौ सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी आ गया तो आपके पास एक्स प्लस वाई जो है वो कितना है हंड्रेड है और x माइनस वाई जो है वो कितना है 20 है बस दोनों को ऐड कर दीजिए 2x एक्स इज इक्वल टू वन तो x कितना हो गया 60 एंड वाई विल बी क्योंकि एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी है तो वाई कितना हो गया आपका फोर्टी तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन सी ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन था अल्जबरा का अगर आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप इसको इसमें डाल सकते थे क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट एक्स वाई आपको पता था और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता था तो बस अरेंजमेंट करना था अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड आर डिविजल बाई फोर फाइव एंड सिक्स हंड्रेड से लेके 500 तक जो है आपको बताना है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 से भी डिविजिबल हो 5 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर होगा वो डेफिनेटली इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा क्योंकि उसमें वो 4 से भी होना चाहिए 5 से भी होना चाहिए 6 से होना चाहिए तो वो किससे डिविजिबल होगा इनका एल्सियम क्या हो जाएगा फोर फाइव और सिक्स का एल्सियम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए अगर आपको डायरेक्टली निकालना नहीं तो हम प्राइम फैक्ट्राइज करके भी निकाल सकते हैं लेकिन इसको डायरेक्टली आपको लिखना है सिक्सटी होता है इसका एल्सियम क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क में भी जो है एल्सियम uh, निकालने सीखा हमने सीखा था कि आपको हर बार प्राइम फैक्ट्राइज करने का जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ऐसा लोएस्ट नंबर बताइए जो कि फोर से भी डिविजिबल हो फाइव से भी डिविजिबल हो और सिक्स से भी डिविजिबल हो तो वो क्या है सिक्सटी अब आपको बस बताना है कि सिक्सटी के कितने मल्टीपल्स होंगे हंड्रेड और फाइव के बीच में क्योंकि जितने भी मल्टीपल्स होंगे सिक्सटी के वो फोर से भी डिविजिबल होगा वो फाइव से भी होगा और वो सिक्स से भी होगा ठीक है क्योंकि आपको तीनों से डिविजिबिलिटी चाहिए अब यहाँ पर 100 के बाद सबसे पहला जो नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाई सिक्सटी वो कौन सा है 120 ठीक है और सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा क्योंकि 500 है तो इससे पहले कौन सा होगा 480 तो आपका जो है स्टार्टिंग है 120 और लास्ट है 480 तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स हमें कैलकुलेट करने आता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसमें क्या होता है लास्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस जो भी होता है कॉमन डिफरेंस प्लस वन ठीक है तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है आपका फोर एट्टी माइनस वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है सिक्सटी प्लस वन तो आपको कितना हो गया थ्री सिक्सटी वो हो गया सिक्स सिक्स प्लस वन आपका कितना आ गया सेवन यानी आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ठीक है आप की, कैसे भी काउंट कर सकते थे आप इवन काउंट भी कर सकते थे लेकिन अगर आपको बड़ा दे दिया जाता जैसे अगर आपको डिफरेंस बड़ा है तो डायरेक्टली आप क्या करिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस एंड प्लस वन तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ मिक्सचर ऑफ सेवेंटी के द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज फोर हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इन इट बिकम सिक्स अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ये रेशियो का क्वेश्चन है तो इसमें एक मिक्सचर दिया हुआ है सैंड और सीमेंट का जिसका वेट जो है वो सेवेंटी के है अब यहां पर क्या है कि सैंड और सीमेंट ही इसके सिर्फ कॉम्पोनेंट है वो किस रेशियो में है आपके फोर इस टू वन के रेशियो में ठीक है तो टोटल यानी फाइव हो गया टोटल अगर हम लोग माने अगर रेशियो की बात करें तो टोटल जो है वो आपका फाइव हो गया तो जो आपका सैंड है वो कितना है फोर बाई फिफ्थ ऑफ टोटल है तो अगर टोटल फाइव है और उसका चार भाग जो है वो सैंड है और एक भाग जो है वो सीमेंट है तो वो कितना हो गया फोर फिफ्थ बाई टोटल तो यानी फोर बाई फाइव अगर करते हैं टोटल टोटल कितना है सेवेंटी का तो इंटू सेवेंटी ये कितना हो गया फाइव वन ट्वेंटी फोर्टीन यानी कितना हो गया आपका फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स के जी जो है वो क्या है सैंड है ठीक है सैंड जो है वो फिफ्टी सिक्स के जी है तो सीमेंट कितना हो जाएगा सिंपली फोर्टीन के जी ठीक फोर्टीन के जी अब आपको क्या बोल रहा है कि हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू द मिक्सचर मतलब इस, इसी मिक्सचर में सैंड ऐड करना है कि रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट जो है वो is to बन जाए तो क्या करते चलिए हम लोग एक्स अमाउंट आप ऐड करिएगा तो एक्स अमाउंट ऐड करिएगा तो फिफ्टी सिक्स पहले से है तो फिफ्टी सिक्स प्लस एक्स सीमेंट में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे तो सिर्फ सीमेंट का जो पहले था वही रह जाएगा फोर्टीन और इसका जो रेशियो है वो नया क्या हो गया सिक्स ठीक है तो बस आप इसको करिए फिफ्टी सिक्स प्लस एक्स गिवस सिक्स फोरज ट्वेंटी फोर एटी फोर एंड x विल बी इक्वल टू एटी फोर माइनस फिफ्टी सिक्स कितना हो गया आपका एट ट्वेंटी एट यानी एक्स जो है वो आ गया ट्वेंटी एट तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया आपने कितना ऐड किया है ट्वेंटी एट के जी आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेसिक एप्लीकेशन ऑफ आप रेशियो सी सैट में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेवल का ही क्वेश्चन सी सैट में पूछा जाता है लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है रेशियो का तो आपको क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में शशि लूजेज 25 परसेंट बाई सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 150 पर डजन एट व्हाट रेट शुड ही सेल देम टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट लॉस इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने सी सैट ट्वेंटी ट्वेंटी टू सीरीज में भी सॉल्व कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन ये जो है आपके लिए सेटर है आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमने जिस तरीके से देखिए आपको क्या होता है कि आप डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं आप डिफरेंट बुक में पढ़ते हैं क्वाटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉल्व करने का हर पर्सन का डिफरेंट तरीका होता है जिनका क्वांट जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहता है जिनको प्रॉब्लम नहीं होता है वो किसी तरीके से भी किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं लेकिन जिनका क्वांट, जिनको क्वांट में परेशानी आती है आप क्या करिए आप किसी एक प्रोसेस पे या किसी एक तरीके पे स्टिक करिए अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से देखेंगे या मल्टीपल बुक से पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा और आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से बना रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करें अब यहाँ पर क्या है कि आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग ने सीखा था कि परसेंटेज को आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए ट्वेंटी जो है लूज़ हो रहा है बाई सेलिंग ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ वन पर डजन यानी अगर सेलिंग प्राइस तो आपको लॉस हो जा रहा है ट्वेंटी होगा ट्वेंटी हम लोग घटा रहे हैं तो ट्वेंटी करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्यों बाई फोर घटा रहे तो क्या हो गया वन माइनस वन बाई फोर तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बाई फोर और किसके बराबर है आपका वन फिफ्टी के तो यहां से आपको क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जल्दी से बताइए कितना हो गया ये हो गया आपका टू हंड्रेड ठीक है कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 200 अब एट व्हाट रेट शुड ही सेल देम टू पे अ प्रॉफिट ऑफ 20 परसेंट मतलब ऐसा सेलिंग प्राइस बताइए जिस पर इसका 20 परसेंट प्रॉफिट हो तो जब 20 परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो उस समय सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन क्या होगा सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा ट्वेंटी ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो ट्वेंटी ज्यादा है यानी कितना हो गया ट्वेंटी के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है वन बाई इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ज्यादा है तो कितना हो गया वन प्लस यानी मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स बाई सी पी सी पी आपको पता है कितना है 200 तो 6 बाई फाइव इंटू टू तो ये हो गया आपका 40 दिस इज 240 तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन बी ठीक है बाकी आप इसको 100 मतलब कुछ भी तरीके से आप बना सकते हैं लेकिन क्योंकि आप एक तरीका फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी पे स्टिक करिए आपका जो है आंसर बिल्कुल सही आएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन The length of diagonals of a rhombus are 10 सेंटीमीटर and 24 फोर Its perimeter is आपको बताना है एक रॉम्बस दिया हुआ Again, this is a, जो है अगेन दिस इज अं पर थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रॉम्बस रॉम्बस के कैसा फिगर होता है और इसके डायग्नल्स का लेंथ दिया हुआ है डायगनल्स जो है वो सेम लेंथ के नहीं होते हैं रॉम्बस में ये एक प्रॉपर्टी है तो आपको जो है कुछ ऐसा रफ डायग्राम दिखेगा बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही होता है साइड्स चारों साइड सेम होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है आप ध्यान रखिए कि ये जो है ये एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं रहता है जो कि स्क्वायर के केस में रहता है ऑपोजिट साइड्स ये टाइप ऑफ पैरलेलोग्राम ही है मतलब ऑपोजिट्स जो पैरल साइड्स हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डाइग्नल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते लेकिन वो जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट नाइन्टी डिग्री ठीक है ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री चलिए अब जो है सॉल्व करते हैं इसको तो यहां पर क्या है कि एक का है 10 तो मान लेते हैं ये 10 है पूरा जैसे ए बी सी डी इसको ओ मान लेते हैं सेंटर को तो ये जो ए सी है ए सी इज़ टेन सेंटीमीटर ठीक है एंड बी डी इज़ 24 सेंटीमीटर अब देखिए बाइसेकट कर रहा है तो 10 है तो ये कितना हो जाएगा ये 5 ये 5 ठीक है और ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12 ये 12 ठीक है अब देखिए ये 90 डिग्री है आपको क्या निकालना है पेरीमीटर तो अगर आप एक साइड निकाल दें तो आप पेरीमीटर क्या हुआ फोर इंटू साइड क्योंकि बस चारों साइड को आपको जोड़ना है तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा पेरीमीटर क्या होता है आपके आउटर बाउंड्री का जो लेंथ है उसका जो सम होता है उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं तो अगर आपको साइड पता चल जाएगा तो पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है बिल्कुल फोर इंटू साइड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा अब यहाँ से देखिए टेन है ये सॉरी फाइव है और ये ट्वेल्व है और ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो इससे आपको क्या दिख रहा है सीधा आप लगा सकते हैं कौन सा पाइथाग्रस्थ्यरम पायथागर स्थिर में क्या

सेंटीमीटर का है ये रोमबस तो आपको पेरीमीटर बोला है तो पेरीमीटर कितना हो गया फोर इंटू थर्टीन तो कितना आ गया आपका फिफ्टी टू सेंटीमीटर यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आपको प्रॉपर्टी पता होता थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस ये सब इस तरह का क्वेश्चन आपसे सी सी में पूछा जा सकता है जहां पर आपको बेसिक एप्लीकेशन ऑफ शेप्स पता होना चाहिए कि रॉम्बस क्या है उसके डायग्नल का प्रॉपर्टी क्या होता है अगर नहीं भी पता है तो एक बार अगर आप देख के जाएंगे एग्जाम के पहले अगर आप सारी चीजों को देख लेंगे तो बाकी आप जो है वहां पर ऑन जो मतलब एग्जाम के दिन आप अप्लाई कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन ट्वेल्व डेज विच अनिल अलोन कैन डू इन 20 डेज इफ सुमन अलोन हैज़ टू डू दिस वर्क ही विल टेक अब देखिए क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का तो इसमें तो हमने महारत हासिल कर ली है क्योंकि हमने इससे एलसीय मेथड से बनाना सीख लिया बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाएंगे अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू अ वर्क अगर आप इस तरह से करते जाएंगे तो आपको मजा भी आएगा आपसे झट से क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है अनिल सुमन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन ट्वेल्व डेज विच अनिल अलोन कैन डू इट ट्वेंटी डेज अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो पर्सन है अनिल अनिल एंड सुमन और किसी काम को बारह दिन में करते हैं और अनिल उस काम को अकेले बीस दिन में करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अनिल और सुमन का जो एफिशिएंसी है उसको मान लेते हैं ए और एस एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे जो अनिल कर रहा है और यूनिट्स ऑफ वर्क जो सुमन कर रहा है यहां पर डे अब यहाँ पर ए और एस जो है दोनों जब मिल के काम कर रहे हैं तो इनका कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है क्योंकि 12 दिन में ख़त्म कर रहा है तो हम लोग पहले क्या करते हैं वर्क को कुछ ऐसा चीज़ एज्यूम कर लेते हैं जो जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए तो बारह है बीस है बस देख के ही बता दीजिए कि आप वर्क क्या ले लें जो दोनों से डिवाइड मतलब ऐसा क्वांटिटी जो दोनों से डिविजिबल हो बारह से भी और बीस से तो क्या है इनका एल्सियम है वो क्या होता है सिक्सटी तो हम लोग वर्क को मान लेते हैं सिक्सटी अब अनिल और सुमन जब साथ में काम कर रहे हैं तो बारह दिन ले रहे हैं तो यानी इनका कंबाइंड एफिशंसी कितना है सिक्सटी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व यानी हो गया फाइव और अनिल कितने में कर रहा है अकेले अनिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साठ बटे बीस तो कितना हो गया तीन अब अनिल का तीन है एफिशिएंसी और ए प्लस एस फाइव है तो सुनील कितना हो गया सिंपली सॉरी सुनील नहीं सुमन सुमन आपका हो गया टू टू यूनिट्स पर डे अब आपको बोल रहा है इफ़ सुमन अलोन हैज़ टू तो डू दिस वर्क कितना टाइम लगेगा साठ यूनिट वर्क है दो यूनिट वर्क डेली करता है तो डिवाइड करिए टू से तो कितना हो गया थर्टी यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं नहीं तो आपको पता है आप मान सकते थे अनिल प्लस टोटल वर्क आप मान लीजिए डब्लू अनिल और सुमन जो है वो वर्क कर रहा है ट्वेल्व डेज ले रहा है यानी ट्वेल्व मतलब डब्लू बाई ट्वेल्व उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा लेकिन आपको अगेन जो है थोड़ा सा जगह का कमी रहता है और कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता है एग्जाम में तो आप जो है इस तरह के छोटे टेक्निक्स जिसमें आपका लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए अगेन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप किसी चीज़ का एल्सीियम बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर लें सबसे बड़ा चीज़ इसमें वही रिक्वायरमेंट है वंस अगर आपको उसमें आप क्लियर हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ईजीली बना सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी जो आते हैं जैसे पाइप एंड सिस्टम्स या मैन एंड वर्क में तो उसमें अगर आप एल्सीयम मेथड से प्रोसीड करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्पेस एंड टाइम सेव कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 फोर्टी मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एंड अ डॉग इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरल टू द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ एटीन किलोमीटर पर आवर द ट्रेन विल क्रॉस द डॉग इन अब यहां पर क्या देखिए ट्रेन है स्पीड डिस टाइम का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये ये ट्रेन है और ये जो है मान लीजिए डॉग है Uh, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो इसको डॉग मान लीजिए अब ये क्या है कि ये ट्रेन है ट्रेन मूव कर रहा है डॉग और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ट्रेन का लेंथ जो है वो 140 मीटर है और इसका जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आर और ये है 18 किलोमीटर पर आर के स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपको बताना है कि कितने देर में ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगा तो आपको क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन को दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव स्पीड जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना होता है उनका जो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा स्पीड का तो ये कितना है सिक्सटी है और ये एटीन है तो सिक्सटी माइनस हो जाएगा तो यानी कितना हो गया फोर्टी किलोमीटर पर आर इनका रिलेटिव स्पीड है अब आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में ट्रेन जो है वो डॉग को क्रॉस कर जाएगा तो डॉग का तो कुछ लेंथ नहीं है अगर एक और दूसरा ट्रेन होता तो लेंथ उसका भी कैलकुलेट मतलब ऐड करना पड़ता है यहाँ पर डॉग का कोई भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ है तो क्या है आपका कि जो ट्रेन का जो लेंथ है वही डिस्टेंस कवर करना है तो हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस आपको पता है वन मीटर आपको रिलेटिव स्पीड पता है वो कितना है आपका सॉरी कितना आ गया आपका फोर्टी ना फोर्टी किलोमीटर पर आर तो अब आपको टाइम निकालना है तो टाइम कितना हो गया आपका वन डिवाइडेड बाई 42 किलोमीटर पर आर है ठीक है तो यहां पर 42 किलोमीटर पर आर है तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो कर देंगे इनटू फाइव बाई एटीन बस टाइम निकाल लीजिए कितना हो गया 140 फोर्टी इंटू एटीन डिवाइडेड बाई फोर्टी टू इंटू ठीक है तो इसको करते हैं फाइव टू जै टेन फोर्टी ट्वेंटी एट सेवन से कट जाएगा हाँ सेवन सिक्स जै फोर्टी टू सेवन फोर जै ट्वेंटी एट सिक्स थ्रीजा एटीन तो कितना आ गया फोर्थ थ्रीजा टू यानी ट्वेल्व सेकेंड्स आ गया सही ऑप्शन कौन सा है आपका ऑप्शन सी ठीक है यानी ट्वेल्व सेकेंड्स में जो है ट्रेन पूरी तरह से आपका सॉरी ऑप्शन बी और सी में कुछ बी में कुछ होगा सर्टन uh, दूसरा ऑप्शन दिया होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेकेंड्स होगा तो आपका सही ऑप्शन क्या है मतलब आंसर आपका जो है वो ट्वेल्व सेकंड सही आंसर है ठीक है तो इस तरह का क्वेश्चन था जो कि आपके बीपीएससी के एस uh, सी पेपर में आया था टेन क्वेश्चन थे कॉन्ट के जिसको हमने सॉल्व किया अगेन Uh, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो सी सैट के डिफिकल्टी लेवल से मैच कर रहे थे और कुछ जो थे वो उससे थोड़ा सा कम थे लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले किसी भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन मिले तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करें और प्रैक्टिस करते रहें डेफिनेटली आप सी सैट आपका इंप्रूव कर जाएगा और सी सैट की वजह से आपका जो है वो प्रिलिम्स नहीं छूटेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू